आपको प्रॉमिस किया था कि NXT स्टैंड एंड डिलीवर के ऊपर काफ़ी जल्द वीडियो आएगी, तो वीडियो आ चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको सारे मैचेस कवर करूंगा Night 1 एंड Night 2 के। सो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाइट वन के मैचेस की बात करते हैं, तो पहला मैच एक NXT वीकेंड टैग टीम चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, जिसमें कि MSK फेस करने वाली है ग्रिल्ड यंग वेटर्नस और लिगार्डो डेल फैंटास्मा को। एंड गाइस अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो इस मैच में जीतने के चांसेस MSK के लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी नहीं आई है WWE में और उन्होंने जीती है NXT डस्टी रोड टैग टीम क्लासिक, एंड बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इनके इस मैच में जीतने के। और इस मैच में मैं MSK को अपना न्यू टैग टीम चैंपियन सेलेक्ट करता हूं। बट इसके बाद NXT वुमेंस चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, जिसमें कि इयो शिराई अपना टाइटल डिफेंड करेंगी रैकुल गोंसाल्विस के अगेंस्ट। तो इयो शिराई को वुमेंस चैंपियन बने हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब टाइम आ चुका है कि वो अपने टाइटल को हार दे और जाए मेन रोस्टर में WWE के। और गाइस रैकुल गोंसाल्विस भी काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती हैं इस टाइटल को, सो मे बी इस मैच में हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस मैच में इयो शिराई को विनर पिक करता हूं। और अगला मैच गटलैंड मैच होने वाला है। आपको पता होगा कि जो इस मैच को जीतेगा वो नाइट टू में फेस करेगा जॉनी गोरगानो को NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए। और गाइस इस मैच में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ब्रॉन्सर रेड डेक्स्टर लोमिस या फिर LA नाइट में से कोई सुपरस्टार जीत सकता है और वो जाएगा NXT की नाइट टू में उन्हें फेस करने। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिक विनर नहीं ले रहा, लेकिन इसके बाद NXT यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, जिसमें कि वॉल्टर जो हमारे चैंपियन हैं वो फेस करेंगे टोमासो चैंपा को। सो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि इस मैच में टोमासो चैंपा जीतकर हमारे न्यू चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि वॉल्टर के पास भी ये टाइटल काफ़ी देर से हैं और अगर इसमें टोमासो चैंपा चैंपियन बन जाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होने वाली है NXT और NXT UK के लिए। तो इसमें मैं पिक करता हूँ टोमासो चैंपा को विनर। बट अब बात कर लेते हैं नाइट टू के मैचेस की। एंड गाइस जो सबसे पहला मैच होने वाला है वो एक लैडर मैच होगा क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि जॉर्डन डेवलिन फेस करेंगे सैंटोस एस्कोबार को। और इस मैच में पता चलेगा कि हमारा रियल क्रूजरवेट चैंपियन कौन है। सो मुझे लगता है कि इस मैच में जीतने के चांसेस जॉर्डन डेवलिन के लगते हैं एंड वो ही डिजर्व करते हैं क्रूजरवेट टाइटल, तो उन्हें मैं इस मैच में विनर प्रिडिक्ट करता हूँ। तो अगला मैच होने वाला है NXT वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि इंडी कार्टवेल और कैंडिस लीरे फेस करने वाले हैं हमारी चैंपियंस जॉर्जी ब्लैकहार्ट और एम्बर मून को। एंड गाइस मुझे ज़्यादा चांसेस इस मैच में जीतने के लग रहे हैं एम्बर मून एंड जॉर्जी ब्लैकहार्ट के, तो मैं बिना कुछ भी सोचे नहीं इस मैच का विनर प्रिडिक्ट करता हूं। और गाइस अगले मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और ये मैच होने वाला है एडम कोल और काइल ओराइली का एक अनसैंक्शन मैच। और गाइस अगर इस मैच की बात करें तो वोल्ड डाउन मुझे शॉर्टली ऐसा लग रहा है कि इस मैच में किसी अनडिस्प्यूटेड एरा की मेंबर की हमें रिटर्न देखने को मिल सकती है, मे बी बॉबी विश या फिर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग, और वो हेल्प करेंगे काइली ओराइली को इस मैच में जीतने की। और वैसे भी इस मैच में एडम कोल के जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो मैं इसमें काइली ओराइली को विनर प्रिडिक्ट करता हूं। तो गाइस फाइनल मैच केरिन क्रॉस और फिन बैलर का NXT चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। तो गाइस इस मैच की बात करें तो कोई भी रूमर्स इस मैच के रिलेटेड सामने नहीं आए, लेकिन गाइस ऐसा लगता है कि इस मैच में फिन बैलर काफ़ी बुरी तरीके से केरिन क्रॉस से हारने वाले हैं और मे बी केरिन क्रॉस हमारे नए NXT के चैंपियन बन जाएं इस मैच में, तो मैं उन्हें विनर प्रिडिक्ट करता हूं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि NXT स्टैंड एंड डिलीवर के ऊपर काफ़ी जल्द वीडियो आएगी, तो वीडियो आ चुकी है एंड इस वीडियो में आपको सारे मैचेस कवर करूंगा Night 1 एंड Night 2 के। सो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाइट वन के मैचेस की बात करते हैं, तो पहला मैच एक NXT वीकेंड टैग टीम चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, जिसमें कि MSK फेस करने वाली है ग्रिल्ड यंग वेटर्नस और लिगार्डो डेल फैंटास्मा को। एंड गाइस अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो इस मैच में जीतने के चांसेस MSK के लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी नहीं आई है WWE में और उन्होंने जीती है NXT डस्टी रोड टैग टीम क्लासिक, एंड बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इनके इस मैच में जीतने के। और इस मैच में मैं MSK को अपना न्यू टैग टीम चैंपियन सेलेक्ट करता हूं। बट इसके बाद NXT वुमेंस चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, जिसमें कि इयो शिराई अपना टाइटल डिफेंड करेंगी रैकुल गोंसाल्विस के अगेंस्ट। तो इयो शिराई को वुमेंस चैंपियन बने हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब टाइम आ चुका है कि वो अपने टाइटल को हार दे और जाए मेन रोस्टर में WWE के। और गाइस रैकुल गोंसाल्विस भी काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती हैं इस टाइटल को, सो मे बी इस मैच में हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस मैच में इयो शिराई को विनर पिक करता हूं। और अगला मैच गटलैंड मैच होने वाला है। आपको पता होगा कि जो इस मैच को जीतेगा वो नाइट टू में फेस करेगा जॉनी गोरगानो को NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए। और गाइस इस मैच में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ब्रॉन्सर रेड डेक्स्टर लोमिस या फिर LA नाइट में से कोई सुपरस्टार जीत सकता है और वो जाएगा NXT की नाइट टू में उन्हें फेस करने।
तो इसीलिए मैं स्पेसिफिक विनर नहीं ले रहा, लेकिन इसके बाद एनएक्सटी यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है जिसमें कि वॉल्टर जो हमारे चैंपियन हैं वो फेस करेंगे टोमासो चैंपा को। सो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि इस मैच में टोमासो चैंपा जीत कर हमारे न्यू चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि वॉल्टर के पास भी ये टाइटल काफ़ी देर से हैं, और अगर इसमें टोमासो चैंपा चैंपियन बन जाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होने वाली है एनएक्सटी और एनएक्सटी यूके के लिए। तो इसमें मैं पिक करता हूँ टोमासो चैंपा को विनर। बट अब बात कर लेते हैं नाइट टू के मैचेस की। एंड गाइस, जो सबसे पहला मैच होने वाला है वो एक लैडर मैच होगा क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि जॉर्डन डेवलिन फेस करेंगे सैंटिस स्कोबार को, और इस मैच में पता चलेगा कि हमारा रियल क्रूजर वेट चैंपियन कौन है। सो मुझे लगता है कि इस मैच में जीतने के चांसेस जॉर्डन डेवलिन के लगते हैं, एंड वो ही डिजर्व करते हैं क्रूजर वेट टाइटल, तो उन्हें मैं इस मैच में विनर प्रिडिक्ट करता हूँ। तो अगला मैच होने वाला है एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि इंडी कार्टवेल और कैंडिस लीरे फेस करने वाले हैं हमारी चैंपियंस जॉर्जी ब्लैकहार्ट और एम्बर मून को। एंड गाइस, मुझे ज़्यादा चांसेस इस मैच में जीतने के लग रहे हैं एम्बर मून एंड जॉर्जी ब्लैकहार्ट के, तो मैं बिना कुछ भी सोचे नहीं इस मैच का विनर प्रिडिक्ट करता हूं। और गाइस, अगले मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और ये मैच होने वाला है एडम कोल और काइल ओराइली का एक अनसैंक्शन मैच। और गाइस, अगर इस मैच की बात करें तो वोल्ड ऑन मुझे शॉर्टली ऐसा लग रहा है कि इस मैच में किसी अनडिस्प्यूटेड एरा की मेंबर की हमें रिटर्न